श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार, परिणव रघुवर विमल जस जुधायक फल तो बुधहीन तन जान के सुमरव पवन कुमार ला, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्याम रामचंद्र की जय। Thank you.
अखिल ब्रह्मांड के स्रोत का समान। कोयली जैसे गुत्तुर के बोलैया उद्घोषा घटियाला भगवान स्वरूप जम्मो झन गाय दीदी भैया मल्ला लोग लड़का मल्ला छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा मां बसे हैं घर है मोर भाग गाय देता हो एक कोरा काल ले बच के हमारा दो साल के बाद हमन ला मौका मिले नाते और गाय के कूदे के तो आज हम मन हाँ तुम्हार गांव में अति जन आयोजन करा थे भैया मल्ला में धन्यवाद देखो कि होना चाहिए गांव में इसने भैया मन के एकता बने रहा है तो हमूल अच्छा लगते और गांव ला भी अच्छा लगते सत्संग कराए से तो आवन हम सबसे पहली भगवान गणेश जी के वंदना करबो तत्पश्चात छत्तीसगढ़ महातारी के झलक दिखाए बर जाबो ओकर तत्पश्चात माँ भानेश्वरी ला अपन स्थान में बुला के पूजा अर्चना करबो ओकर तत्पश्चात जी से समाप्त हुई तो कथा में अपन पाँव ला देबो हमार कथा है द्रौपदी क्षीर हरण के कथा ला लेके आवत आई हो महतारी मल्ला समझना है मोर भाई मल्ला समझना है युवाकी में द्रौपदी का गलती करी कि दुर्योधन ला दीक्षित हो गए द्रौपदी के आज वस्त्र हरण भर ललकार दी और भरे सभा में भी डाली तो आप मल्ला गहराई से सोचना है कि बड़े सम्मान किसे करना चाहिए और भाई मल्ला भी सोचना चाहिए थोड़ा से गलती ला समो के पीछे चलना चाहिए तो यही कहा जय माँ भानेश्वरी राम धुनि मंडली घर पाँव के झूला माँ मास्टर नवाज अपन कथा में पाँव देवा जा बोल लखन से रामचंद्र की जय भगवान की जय जय गणेश गणराज दया निधि औ पहली तोला मनावत हाँ भरे बीच दरबार हे प्रभु औ आयो शरण गोहरावत हाँ गजानंद महाराज मोरी सभा में आवे रा और गौरी के गणराज आज मोरी सभा में आवे रा जय हो गजानंद महाराज आज मोरी लाज बजा दे गजानंद महाराज आज मोरी लाज बचा दे रा लाज बचा दे भारे सभा में लाज बचा दे राम जय हो देवा लाज बचा दे भारे सभा में लाज बचा दे राम महाराज तोरी महिमा है भारी गणपति गणपति महाराज तोरी महिमा है भारी महिमा है भारी का महिमा है भारी महिमा है भारी जनता महिमा है भारी महिमा है भारी प्रभु महिमा है भारी गणपति महाराज तोरी महिमा है भारी
चंद दयावंती चार भुजधारी हे माथे पे तिलक सो है मुसवा के सवारी ये मुसवा के सवारी जनता मुसवा के सवारी मेरे मुसवा के सवारी जनता सवारी माता है पार्वती माता है पार्वती पिता महादेवा गणपति महाराज लंबोदर भगवान की जय माता बोले छत्तीसगढ़ महातारी की जय तो छत्तीसगढ़ के लैका आयावा कर था खेती किसानी मरी बरी मथुरा काशी हरे जिंदगानी तो मानुस सल्ला पाके का भैया औझन करी हौ नदानी अरे वृथा जन्म छुटी जाही रे मोर भाई हो और रही जही जिंदगानी छत्तीसगढ़ी महातारी दाई मो मैं हाँ पैया लागौरा दाई ये बालक तो कोल समूह में बखान कर सकते भाई तो अपरम पार है लीला दाई आज तो चोरा में छत्तीसगढ़ी महातारी दाई हो छोटे बाल गोपाल मन सुंदर खेला दिखावा तो दिन का बहुत दाई किसान मन अपन अपन रोजी रोटी में लगे दाई दिल जना रहते हैं चलो संग खेती जाब जी हो रमा चलो दीदी खेती जाबरा चलो दीदी चल का भैया संग खेती जाब जी हो रमा चलो संग खेती जाब जी ओ माटी के भार ला उठाबो माटी मा सुनाओ बजाबो ये गोलू भैया
चलो संग खेत जाबो जी हो रमा चलो भैया खेत जाबो जा जोरा जोरे रे हो राम और रंगला घोरे रे हो राम लबरा कन्हैया के आसमां हो जोरा जोरे रे हो राम रंगला घोरे रे हो राम लबरा कन्हैया के आसमां मैया जी ललाने पर आए मोर माता मैया जी ललाने पर आए जय हो जाई हो Yeah.
काला सजाला कारी कहावे वो जीविया निकाल दाई जीविया ला मामा हो गणेश जिला सुमरन करके आई सरस्वती ला माए नावा थोरा तो गणेश जिला सुमरन करके आई सरस्वती ला माए नावा थोरा नारायण नमन करके कथा आरंभ कर दौरा महाभारत के कथा हरे कहो दाई हो जा हो गौसरा। एक समय के बाद अर्जुन 12 साल वनवास ले आए रहा है। सुंदर उही समय में
द्र्योधन राजा बंटवारा दे रहा है खंडवा परस बिल्कुल आज भैया खंडहर रहा है भगवान कन्हैया के आज भैया वही समय में कृपा से सुंदर पांडव मन के महल लगे जब सुंदर बनाए रहा है कहो श्री राम पूजा अर्चना नहीं हो रहा है वही समय में अर्जुन आ गए तो धर्मराज अर्जुन सुंदर महल में आवन लगे कहो श्री राम धर्मराज की थे अर्जुन भैया आज ये नया महल मनाहने कर उपलक्ष्य में भैया यज्ञ के रचना रचत हो तहु आज भैया बड़ा मर्जी के बांच के कते नगर कते पहाड़ कते पर्वत ले आज के कहां लगे कहो सिरा आज भैया अगर परिवार लमला न्योता नहीं देवो भैया तो दुनिया में हमन बदनामी हो जत अर्जुन के कहां लगे कहो सिरा भैया ये पत्रिका ला दे तू अर्जुन सुंदर जाके भैया हमार भाई द्र्योधन ले जाके हस्तिनापुर में पहुंचा देवे के कहां लगेगा आश्यराम कहां से विदा मांग ले अर्जुन और सुंदर राजा शिशुपाल उही नगर में थे उही नगर में आज बहुला न्योता दे देवे के कहां लगेगा आश्यराम वहां से भी सुंदर विदा मांग ले अर्जुन और भगवान कन्हैया ला सुंदर द्वारकापुरी में जाके न्योता नत के संग में ला लेवे के कहां लगेगा आश्यराम बड़े भाई के बात सुने सुंदर भैया बड़े भाई अर्जुन ला पत्रिका देवन लगेगा आश्यराम मन भावने लागे रामा हो और सुहावन लागे राम पांडु घर आनंद मनावे भैया पांडु घर पर आनंद मनाए अर्जुन पत्रिका लेके निकल गए देवता देवर अर्जुन रहा है पत्रिका दे के भैया अपन लेके निकल गए राजा द्र्योधन के महल आज भैया जंगल के आड़ में हस्तिनापुर रहा है कहो सियाराम ममा भाजा आज राजा द्र्योधन सन में महल में रहा है भैया आज वही समय में अर्जुन न्योता देवर चलन लगे कहो सियाराम सिया रामा सिया हो रामा सिया मोरे रामे हो राम सिया मोरे रामे हो रामा सिया मोरे रामे हो राम भैया अर्जुन निकल के कहा सीतापुर के महल में पहुंचे थे राजा द्र्योधन के महल में पहुंचे हीरा बड़े भाई द्र्योधन के महल में पहुंचे सुंदर बैठे रहे जाके चरण में मस्तक नवावन लगेगा आश्रा गजब दिव्य आहो पांडव अर्जुन कैसे आज परिवार मन बने हवे ने के पूछे सब बड़े बड़े हवन के कहिए अर्जुन बतावन लगे कहो श्राम एने पत्रिका ला पहुंचाए बराओ भैया द्र्योधन ए पत्रिका सुंदर हाथ में ले ले भैया इसकी के देवल लगे कहो श्री राम भैया मोर कर समय नहीं है भैया दूसरे जगह जाना है द्र्योधन भैया के वहां से सुंदर भैया आज वही समय में बता के चलन लगे कहो श्री राम सुंदर भैया वही नगर में राजा शिशुपाल रहा है अर्जुन हाँ भैया वो शिशुपाल के आज भैया भवन में चलन लगे कहो श्री राम अर्जुन कर जाए भैया अर्जुन सुंदर शिशुपाल कर जाके सीना में सीना मिलावन लगे कहो श्री राम शिशुपाल लगलो सुंदर न्योता दे भैया हमारे आज महल में यज्ञ की रचना रचे नी शिशुपाल तोला आना है कि कहां लगे कहो श्री राम शिशुपाल बड़ा खुश हो गए बिल्कुल पांडव आज बोला न्योता दे के बहुत स्वीकार करो काबर नहीं होगा बिल्कुल वहां से निकल के भैया आज इंद्रपुरा से है भैया और वहां से द्वारकापुरी जाए बरिया अर्जुन हते न्योता देवर चलन लगे कहो श्री राम गौरी के लाला गजानंद आवे रामा गजानंद आवे राम लाला गजानंद आवे रामा गजानंद आवे राम
पांडव के भैया न्योता में आवन लगे कहो श्राम। राजा दुर्योधन ला पत्रिका दे रहा है तेला, राजा दुर्योधन खोल के मुसुर मुसुर भैया पढ़ के आज हंसात रहा है कहो श्राम। मामा सखनिक से कैसे हाथ था भाचा मोला नहीं बता था, का पत्रिका दी से के आज पूछन लगे कहो श्राम। अकित बात न पूछे राजा दुर्योधन खलखला के हाथे मामा कैसे हाथ पता न तगा पता तो अरे काला के में मामा मैं भूले नहीं समा तो मामा आज अति खुशी हो गयो काबर का। अरे सुन आज पांडव मल्ल बंटवारा दे रहो ना खंडवा परस में ये महल के रचना रचे मामा दुनिया के बड़े बड़े राजा मन हा आज ना सुन भाचा सुनना ते तो इससे ढंग के बता थस न मैं सुन सकत हो न ते आज मां हाधीर से बता तो सुन फंडवा परस में बंटवारा दे रहे हो मामा जिला नया महल बना है आज दुनिया के राजा मन के थे पांडव जैसे महल काकरो नहीं है कि थे मामा वो ही ले आज रचना रचे मने यज्ञ के रचना रचे कि के कहां लगे कहो सिरा वह यज्ञ हो तो मामा वो मतलब बोला दुर्योधन राजा ला न्योता नी दे बड़े बड़े सम्मान करे मामा काबर बोला मौका के फायदा दे है मामा आज मोला घूमे के अवसर दे मामा वो महल्ला देखने है मोला के कहां लगे कहो सिरा अब तोला जाना है मामा मोर साथ में और जैसे समाप्त हो ही आज ना यज्ञ है तो तोले याद करना है पूरा मोहल्ला की जर के आबो के कहां लगे कहो सिरा मामा सकने की थे भाचा मोहल्ले पे तो देरी नहीं करन ने होता पर के चलना ऊंचे हुई भाचा घर खाबो के कहां लगे कहो सिरा और चलना भाचा जा बोले राम चलना भाचा जा बोले राम महाराज भैया देखे आज दुर्योधन राजा ला बड़ा खुश हो गए मोर भाई मन मोर आज भैया न्योता में आ थे कि के भैया सीना मिला के आसन बिठारन लगे कहो सिरा राजा आज भैया वही समय में मामा सकनी ला बैठो मामा के आसन देवन लगेगा सिरा राजा शिशुपाल ला भी ऐसे आसन दे भैया वे समय सुंदर पांडव आनंद मनावन लगेगा सिरा सुंदर भैया द्वारका पूरी जाए भर भैया वही समय में जंगल झाड़ी होत पार करत निकलन लगे कहो श्राम और बंसी के बजैया माना मोहन हरे रामा और गौआ के चरैया वो दाई दिला हरन हरे राम और दिल के हरैया वो दिला हरन हरे रामा और नांदा के रे लाला मदन मुरारी हो रामा द्वारकापुरी में पहुंचते भगवान कन्हैया के दरबार में जाए भैया मस्तक नवावन लगे आज अर्जुन भगवान कन्हैया के चरण में कहो श्राम आशीर्वाद दे आनंद रहा पांडव कैसे ढंग के आहज का कैसे टूटांग आ के खबर घलोक निदेश की के पूछन लगे कहो श्राम अर्जुन के कोई बात नहीं बात प्रभु आज बड़ा खुशी के लेके मैं आता हूँ काबर हमर महल में यज्ञ के रचना रचे हो आज भैया ओकरे न्योता दे बरा हो तो साथ में लेखू के आहो के कहां लगे कहो श्राम भगवान कन्हैया के धन है पांडव जो बात नहीं चल आह दुरिया ले तो कम से कम पानी ले पी ले तहां साथ में जाबो के कहां लगे कहो श्राम भक्त भगवान बैठे रहा है भैया वही समय में सुंदर आज गोद बात करन लगे कहो श्राम वही समय में भैया आज अर्जुन है वही समय में भगवान कन्हैया ढान देख के सुंदर गुनगुनावन लगे कहो श्राम का कहते करिया हो करिया राम बिलवा हो मोहना राम Thank you.
सिया राम मोहना हो मोहना राम गैया चराए देह बंसी बजाए देह गैया चराए मधुबन में काना देह रस रसाए मधुबन में काना देह रस रसाए सगा मन आ रहा है तो धर्मराज ला बड़ा चिंता पड़ गए कि भगवान कन्हैया ला लेके आवे के रो ऐसे नहीं दिखेगे कि मन में सोचन लगे कहो श्री राम। उस समय में धर्मराज आज भैया का बोलते आज धाने अर्जुन भैया आगे आगे चले थे भगवान कन्हैया चलन लगे कहो श्री राम। धर्मराज ला बड़ा दुख जते हे भगवान अगर तेनी आवे अथी जन व्यवस्था रखे हो प्रभु तोर बिगन मोल सुनना लगा थे कि वही समय में आज भैया बोलन लगे कहो श्री राम। आँखी के आँसू माँ चरणी पखारी हाँ मोहनी सुरतिया नैना महानिहारी हाँ आँखी के आँसू माँ चरणी पखारी हाँ माया के मारे धर्मराज के भैया कन्हैया आज जन यज्ञ के रचना रचे कन्हैया लेकिन तोर भी अधूरा हो जाए प्रभु मोरी घर राम जरूरी वो समय जब ले जाने हो तोरे महिमा आज भैया सब देखन के कन्हैया आगे आगे अर्जुन चले बाजू में भगवान कन्हैया चले थे इधर धर्म राजा जाके चरण में माथन आए भैया धर्मराज ले आशीर्वाद दे भगवान कन्हैया आज उठो उठो या धर्मराज आनंद रहो के कहां लगे कहो श्री राम। भगवान कन्हैया ला उच्च सिंहासन में बिठा रहे पांडव और सुंदर भैया वे समय में समय बीतल लगे कहो श्री राम। वही समय में भगवान कन्हैया कथे धर्मराज सब परिवार आ गए तुम्हार आज ये यज्ञ के चालू करो यज्ञ तो रखे हो तो आप का देरी करत हो के कहां लगे कहो श्री राम। भगवान कन्हैया के बात ना सुन के धर्मराज के थे काला बताओ प्रभु कोई चीज की आज कमी नहीं है कन्हैया ना मोरे आज धन के दौलत के कोई कमी नहीं है कन्हैया लेकिन सगा पनोया भी आगे और तहु आगे लेकिन मोरे एक दिल के आशाला रखे होला पूरा कर देते थे कि कहां लगे कहो श्री राम। भगवान कन्हैया के थे इसे का यदि मन में रखे तिला बोलगा कि ये कहां लगेगा श्री राम। वही समय में के थे कन्हैया आज कन्हैया जब बोल के था धर्मराज के थे सोना नहीं मांगाऊ मैं हां चांदी नहीं मांगाऊ मैं हां सोना नहीं मांगाऊ मैं हां चांदी नहीं मांगाऊ मैं हां पावे के दुल्हा मैं हां मांगा माया रू राम पावे के पूजा भय हम मांगो माया रू राम पावे के पूजा भय हम मांगो। प्रभु मैं पाँव के पूजा ला मांगा थू कन्हैया अतका मोरी आशा है कन्हैया अगर तेहा याद दे देते तो बने रही सिक्के कान लगे कहो श्री राम।
भगवान कन्हैया बड़ा खुश हो के धन है पांडव मोर भागला। चलो कोई बात नहीं, चलो जल्दी से चालू करो। आए रहा है सगा पोने बड़ा खुश हो के, लेकिन वहाँ दुख हो गए। राजा शिषपाल ला बहुत जोर से खिसियावन लगे, कहो से राम पांडव धर्मराज। आज चोरहा जन्म के, चोरहा जन्म के कपटी, जन्म के टोनहा, ए जात के गहिरा जेनहा, आज जात के गहिरा के तुम चरण के पूजा ला करू, कुछ लगते बात पानी नहीं। आज की के पांडव मल्ला कहाँ लगे कहो से राम। भगवान कन्हैया के कसरे शिषपाल, एमन न्योता दे के का गलती करी, से मोला गारी दे था सोई मल्ला का, आज गारी दे था की के कहाँ लगे कहो से राम। शिषपाल के बस बस याद तोर तक के रहन दे, आज चोनहा जन्म के बेईमान, तोर जैसे पर बुधिया आज दुनिया लाते पर बुधिया बना के रखे सी, ये पांडव मन तो आगू पीछू किनरा थे की के कहाँ लगे कहो से राम। भगवान कन्हैया के थे शिषपाल, तोर माला वचन दे हो मत मारवे, मोर बेटा ला तो सौ गाली तक के छूटे, अगर सौ गाली एक गाली उपरा देवे ना तो बिना मारे नहीं छोड़ो के कहाँ लगे कहो से राम। शिषपाल भड़के ये कौन हो तस बोलो कहिया, मोर माला वचन दे बोला नी देसना का करे बे बिलवा, ले सौ गाली के तो हजार गाली तू तो नहा बेईमान, छोरहा जन्म के कपटी, दही के छोरैया घर घर जाके, ऐसे की मार भैया सौ गाली में गाली बच रहा। रुक जा रे माफी रुक जा के थे, वो समय नहीं माने भैया ते रुक जा के थस, का कर लेबे सौ गाली दे उ तलवार ला मारे भर जब उपाय भगवान कन्हैया ला। वही समय में राजा शिषपाल तलवार ला लेके मारे भर उवावन लगे कहो से राम। भगवान के थे वारे पापी वारे दुराचारी, तोला याद में बार बार समझा रहे हो, तिनी मानते जा मर जाया आज चक्र सुदर्शन भैया उठावन लगे कहो से राम। रामा 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 है रामा रामा पार लगे है राम। राजा शिषपाल के धड़ा लग हो जाते, वही समय में आज भैया या चक्र सुदर्शन में दुर्पज, आज भैया या ये चक्र सुदर्शन में उंगली लग जाते, भगवान की उंगली में आज रक्त के धार गिरन लगे कहो से राम। पति महल ने देखते भैया वह भगवान कन्हैया घर पहुंच के भैया, वही समय में बड़ा दुख मनावा लगे कहो से राम। कन्हैया अधिक पान खून गिरा थे, आज तुला दर्द महसूस नहीं हो प्रभु कामे बांधो, वही समय में भैया अपन मन में विचार करके त्रिपति अपन साड़ी लचीर के भैया भगवान कन्हैया की उंगली में लपेटन लगे कहो से राम। जब लपेटे दो समझते बहनी त्रिपति, आज के कर जलादा था तिल कब उठार करो बहनी के कहाँ लगे कहो से राम। द्रुपति कुछ नहीं बोले खड़ा है तो भगवान याद, वही समय में दूसरा वचन देवन लगे कहो से राम। ठीक है बहनी द्रुपति, अगर पुनः प्रकार की विपत्ति आ जाए ते मोल ख्याल कर ले, बिल्कुल तो रिया दुख में सहारा करो के वचन देवन लगेगा से राम। सुंदर प्रणाम करे भैया द्रुपति, महल में चले जेते भगवान कन्हैया, आज भैया उच्च सिंहासन में विराजमान होवन लगे कहो से राम। यज्ञ चालू हो गए पांडव घर, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंत्री माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, आरती कुंज बिहारी की, पांडव घर की यज्ञ
समाप्त हो जते भैया सुंदर पांडो ले आ जाए भगवान कन्हैया विदा मांग के भैया वही समय द्वारका प्रस्थान होवन लगे कहो श्री राम। पांडो मन महल में चले जते भैया ए रहन सुंदर कोन बज गए ममा सकनी लग कह रायो कर यज्ञ समाप्त होई ममा महल की जन्ना है भुला गयो कर ममा ऊपर डहला देखत रहा राजा दुर्योधन बड़ा गुस्सा होवन लगे कहो श्री राम। लाने पर देखे आज ला हो कि ऊपर डहला देखे ए ममा काला देखता तिलक पता पांडव के महल में भैया ममा भाचा तिक मगना हो गो कर ममा एकदम नाचे ए ममा
पार किसे भाई ये कर जो कर बन के माता त्रिवेद महल में गिंजर बो पर मामा कहते साहिब भाचा एकदम खुश हो रहे हो आज पांडव के महल लगती किंजरेल भात है मां भा मामा ऐसे के थे तो चलना भाई ओ बच्चे कते रहन बच्चे ये रहन बच्चे चला मोरे चना गना ना 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 मोहा पानी भरे दिसे लगते मामा सपलाला सकेल मेरे के कहां लगे कहो श्रानी सपलाला सकेल के मां डंका डार के रेम थे भैया वही समय में दोनों के दोनों चलन लगे कहो श्रानी उत्ता धुरा कपड़ाला सकेल के चले भैया सुखा जमीन रहे बड़ा धोखा खावा लगे कहो श्रानी ए मामा ये तो सुखा जमीन में तहु नहीं बता थस के कहां लगे कहो श्रानी के आज भैया पांडव के महल के बनाने वाला भगवान कन्हैया की किस्म के बनाए रहा है कहो श्राम वही समय में मोरे बोला न लागे रमा मोरे राजा दुर्योधन रमा मोरे वही समय में रमा पानी भरे गाय कुंड में रमा मुरझा पाके दगीरथ रमा सुनो दोनों गमा माय रमा तो जाके भैया वही समय में आगू में का के थे दुर्योधन कहां लगे कहो श्राम हासत हासत थे दुर्योधन अंधरा के बेटा अंधरा रहिबे दुर्योधन तोर दाई दादा मनंदरी अंधरा रही तेरी से तोर काबले आंखी नी दिखे भैया के कहां लगे कहो श्राम अति जन गड्ढा तो नजर में नी आई भैया ऐसी की मार बने के द्रौपदी की जोहारन लगे कहो श्राम राजा दुर्योधन के सीना में आग फूकी उठ के गर राजा गर्जना लगे के कहां लगे कहो श्राम राजा दुर्योधन के बात का सुन के आई समय में भैया आज वही समय में या मामा सखनी कहां लगे कहो श्राम एक सम्मत खा भाचा एक सम्मत खाते अनवान मतिया ना पानी मतिया जोदा कैसन करबे और होइते कलबे भाचा तोर पां परत होंगे के कहां लगे कहो श्राम सुन मामा ए महल में अब किंजरेल निभाते मोला आज मोला अंधरा के बेटा कनंदरा के ये नारी अपना आप लका समझेगी के कहां लगे कहो श्राम हाँ जोले थे भैया द्रौपदी सुंदर महल को दी चले जथे कहो श्राम राजा उदास मर गए चल भैया आज मामा सकनी लग रहे चल हस्तिनापुर जाबो के लिए निकल लगे कहो श्राम सिने भरे रही नहीं तो जाई रे मुरलिया के तुने सुन राम राजा छोड़ दिए राजकुमार को
पहुंच गए हस्तिनापुर, अब तो गद्दी में बैठ। अब ते बताल कहा था ना, मैं एक ठन बात बता तू भांचा दुर्योधन के कान लगा के सुन के कहां लगे घोष राम। पांचो पांडव में धर्मराज भांचा है, भांचा पासा खेले में गजब होशियार है। जल्दी से सुनो, जल्दी से बलाक लाबो। सुन आज भैया उमल ठक्के इंद्रप्रस्थ ले हस्तिनापुर में बुलाबो भांचा। और ठक्के में पहली पासा में उकर दावा लगा के राजपाट ला हरण करबो, वो भांचा मल्ला हरण करबो के कहां लगे घोष राम। और दूसरी पासा में भांचा वो तुला अंदरा के बेटा अंदरा के वो नारी ला हरण करबो भांचा, दुर्योधन के कहां लगे घोष राम। ममा सखनी के बात ना सुन के भैया वह समय में बड़ा आनंद हो गए। और ममा सखनी के थे तेजान भर किसे ढंग के बुलावे कि कहां लगे घोष राम। ममा दे बैठ, अबे भैया दुशासन कहां ना लगे रामा, दौड़ा दुशासन पहुंचा ना लगे राम। दुशासन हाथ जोड़ के थे भैया, दुर्योधन बोला कावर याद करे भैया के हाथ जोड़ के बोला लगे घोष राम। दुर्योधन के थे ए दुशासन जाओ इंद्रप्रस्थ से पांचों जन पांडव वाला बुला के लाओ। ऐसे के बोले भैया वही समय में दुशासन के थे भैया मैं जाए बर तो जहूं, लेकिन डान बर तो बड़े भाई होते तो डान धर्मराज बड़े भैया है काबर बुलाए बड़े भाई है कि मैं का जवाब दूं के कहां लगे घोष राम। दुर्योधन के थे बोल देना दुर्योधन भैया बुला है, आना नहीं आना मैं देख लू के कहां लगे घोष राम। ठीक है इसे कहा था भैया तो मैं जात हूँ के भैया यार दुशासन राजा रहते निकलन लगे घोष राम। जिमरी रामा रामा भजू रामा सिया रामा, जिमरी रामा रामा भजू रामा सिया रामा। धर्मराज की थे भैया गजब दिन में पधारे हो या दुशासन, परिवार मन बने हावे नहीं किसे ढंग के, आज बैठ के थन तो भैया सुन के थस का बात है के बुलान लगे घोष राम। दुशासन के थे भैया तुम इंद्रप्रस्थ में आई इंद्रप्रस्थ ले हस्तिनापुर में भाई दुर्योधन याद करे तुम पांचों झन लबला है कि के कहां लगे घोष राम। मतलब पांचों झन लबला है भैया, हाँ भैया तुम पांचों झन लबला है वही समय में कथे काबर बुलाए भैया, कम से कम तो बता सो सकता कि के कहां लगे घोष राम। दुशासन के थे मुला कुछ नहीं बताए भैया, और जाना नहीं जाना तुम्हार मर्जी की के कहां लगे घोष राम। वही समय में भैया भीम अर्जुन नकुल सहदेव मल्ला सुंदर भैया धर्मराज थे बोलन लगे घोष राम। चलो भैया आज हस्तिनापुर में हमर भाई दुर्योधन बुलाए कि ठोकर बड़े भाई के आज आज सम्मान करबो, कर बात उल्लंघन नहीं करन के निकलन लगे घोष राम। वही समय में लगे घोष राम। राम सिया राम लखन सिया सिया राम, हरि के भजन मना लगे रही हो रामा। राम सिया राम लखन सिया सिया राम, हरि के भजन मना लगे रही हो रामा। हरि के भजन मना लगे रे हो राम, प्रभु के भजन मना लगे रे हो राम। हरि के भजन मना लगे रे हो राम,
भजना मना लगे रयौरा गान करे बर चले जते भैया ईरान पांडव मन हस्तिनापुर में पहुंचन लगे कहोसराम वही समय में भैया सुंदर यार नित गान करे या मन यो सुंदर भैया गाना सुनावन लगे कहोसराम हस्तिनापुर में पहुंचे राजा दुर्योधन देख के बड़ा खुश होए सीना में सीना मिलाए भैया आज पांचों जन पांडव मन राजा दुर्योधन के महल में बैठन लगे कौशराम भैया वही समय में सब सीना में सीना मिला के बीरथे कुछ समय बीरथे वही समय में दुर्योधन कुछ नहीं बोले तो भैया धर्मराज हेते बोलन लगे कौशराम भैया वही समय में धर्मराज है भैया आज दुर्योधन ला कहां लगे कहो श्राम भैया दुर्योधन हम अल्लाह तेहर काबर बुलाज भैया वही समय में आज ते कैसे ढंग के बुलाज भैया हमला समझ नहीं आते कि के कहां लगे कहो श्राम अपना बात ला सुन के दुर्योधन की थे भैया आज मामा सकनी एक ठन बात की मुलाओ पामा आस पासा खेले के शौक लगत की तब मामा बताई से की के कहां लगे कहो श्राम भैया मुला पासा खेले के गजब शौक है धर्मराज तुला पासा खेलते की तुम्हें पासा मन भर खिला लेते के बला होंगे के कहां लगे कहोसराम पासा तो मैं खिलाड़ी हूं दुर्योधन तो कैसन पासा खेलना चाहता दुर्योधन के कहां लगे कहोसराम दुर्योधन के थे मैं आज बस पासा नहीं खेलना चाहता आज भले दावा लगा के क्यों ना राज पाट लहर गांव लेकिन दावा लगा के पासा खेलो पांडव के कहां लगे कहोसराम ऐसे तो ठीक है दुर्योधन सोच समझ के बोला थस ना तो मैं पासा के खिलाड़ी हूं मैं भी दावा लगा के पासा खेलो तोर से पीछे नहीं हटोगे के कहां लगे कहोसराम वही समय में भैया दोनों राजा मन मान गए भैया अब पासा खेले बर भैया अंगना में चलन लगे कहोसराम मामा सपनी रहते भैया जाके सुंदर पासा लज ठावन लगे कहोसराम मोनी माया में राम पांडव का पासा मोरे खेले बर जावे राम मामा सकनी वहां से निकल गए और पांडव मल्ल सुंदर राजा दुर्योधन लेके पासा ठोर में बिठारन लगे कहोसराम सुनो दीदी वो सुन भैया गा राम कथा यम रैया है हरि कथा यम रैया है भैया राम कथा यम रैया है हरि कथा यम रैया है तुम कभी सिरा थे
पांडो जीते बहुत समय बीते थे ममा सखनी जाके इशारा अपन भाचा ला देवल लगे कहो से राम ए भाचा दुर्योधन अब मोला दे पासाला या एक कौन सा दावा रखे राज पाठ में की के गोपन आप में की के बतावा लगे कहो से राम हाथ ला भैया वही समय में पासाला मांग के हाथ ला इसे इशारा देवल लगे कहो से राम मामा सकनी ला देख के दुर्योधन राजा खुश हो गए कहे थे मामा ए मनहना नाव के पासा रखे मामा नाव के पासा रखे भांजा ठीक है देख ले के वही समय में आ देखावन लगे कहो श्री राम जय श्री राम वही समय कर बेरा मेरा रामा वही समय कर बेरा मेरा रामा रामा भजो पाटला सर के कवच कुंडल ला राजा हारा लगे बिनो भाई बड़ा खुश हो के मामा हंसा हंसा लगे कहो से राम वाह मामा कमाल कर दिया बंदर बात वाह पांचों धन पांडव सर के कवच कुंडल ला उतारे भैया वही समय में आज भैया धर्मराज के नहाए वही समय में खड़ो होके राजा दुर्योधन ला बोला लगे कहो से राम भैया दुर्योधन हम राज पाट ला हार चुके न हमर पांचों जन भाई मल्ला में हार चुको भैया मुर्गर कुछ नहीं बचे भैया मोला क्षमा देगी के कान लगे कहो श्राम दुर्योधन ये ती होती किंजरत रहा है कुछ नहीं बोले लेकिन दुर्योधन के भाई वही दुशासन कायरते बोलन लगे कहो श्राम दुशासन धर्मराज सारी राज पाट ला हार गे वो तो सही बात है तोर भाई मल्ला भी हारे वो भी हम जाना था लेकिन तुम्हार कर एक छनौ जिनिस बचे पांडव अगर वो जिनिस ल रख के ते पासा खेलबे ना तो अगर जीत जाबे मैं सारी राजपाट लाओ कर सन में वापिस करवा दूं बड़े भैया ला बोल के पीके कहां लगे कहो से राम जय श्री राम धर्मराज की थे इसन कौन से जिनिस भैया मुला समझ नहीं आते भैया मैं सोचता हूं कि सारी राजपाट से सब हार चुके हूं मुला स्पष्ट कर दे भैया का जिनिस बचे की के पूछन लगे कहो से राम जय श्री राम वही समय में दुशासन के थे ए धर्मराज अमर भौजाई के रिश्ता है धर्मराज और तुहर नारी द्रौपदी बचे है की के वही समय में भूलन लगे कहो से राम जय श्री राम इतना बात ना बोलते तो सर में भैया मात हाथ रख के वही समय में आज राजा धर्मराज थे बोलन लगे कहो श्री राम पांचों पांडव के नारी द्रौपदी एक जन कैसे ढंग के आज पासा में रख के पासा खेलन दुशासन के कहां लगे कहो श्री राम फिर दुशासन के थे ए पांडव जब से राज पाट में हारे तोला दुख नहीं हुई भाई मल्ला भी हारे पासा में तो तोला दुख नहीं हुई अरे वक्त है वक्त जान ले तुर नारी अगर वापिस करवा दी जीत जबे थे नारी ला रखे बट तोला आज तोला व्याकुल होतस तो ये बात बते सोच समझ ले कि के कहां लगे कहो श्राम वही समय में ओकर दिमाग घूम गए सही बात ना मोला बता थे आज दुशासन हकी के ठीक है भैया दुशासन चल मैं नारी ला भी रख दो पासा में कि के फिर से पासा खेले भर बैठन लगे कहो श्राम बैठे राजा दुशासन वही समय में भैया दुर्योधन बैठे ममा सखनी किसे देखन लगे कहो श्राम सिया मोरे रामा सिया रामा का भैया रामा भजो सिया राम सिया मोरे रामा सिया रामा का भैया रामा भजो सिया कारो जीते मामा सखनी जाके फिर इशारा करते ए बादशाह दुर्योधन ए मन अपन नारी ले रख के कौन सा दावा रखे बता तो बता दे पासाला हाथ में मांगे भैया मामा छाए के पासा रखे मामा छाए के ठीक है मामा आज भांचा देखना के वही समय में देखो भांचा के कहां लगे कहो से राम वही समय कर बेरा मेरा मां कैसे कमा
मजा मामा, आज मोर मन की इच्छा पूरा कर दे मामा, बैठ मामा बैठ। वो नारी के देखना में का हाल कत हो, अरे दुशासन जाओ नारी को भरे सभा में रंग महल से बाल खींच के बाल पकड़ के लाओ बे की आडर देवा लगे कहो श्राम। पांडव मल्ला छे इस समय में भैया, पर नारी के जब बात ना सुनिस ना तो भगवान कन्हैया के याद आ गए कन्हैया। पांडव मन के थे कन्हैया, हम पासा खेले खेले कन्हैया तो एक भाखा नहीं पूछ सके प्रभु। ए पापी दुर्योधन हमारे नारी ले लाए पर भरे सभा में आदेश दे थे, हमर लाज ला रख दे कन्हैया। वही समय में पांडव के थे, बिगड़ी ला हमारो बनाई देना श्याम, बिगड़ी ला हमारो बनाई देना राम। ताई हाथ रख के रोवन लागे राम, आंसू के धारे मोर गिरन लागे राम। ठीक है भैया के निकल गए कहां दुशासन, लेकिन आंखी फूट गए राजा दुर्योधन के। अंधरा के बेटा अंधरा का किस दाई न तहो, आज बड़े चनघा हो के तैयार हो गए द्रौपदी पर। वही समय में आज दाई न तहो का करो दुठन आंखी न वाकी में हम देखथन ना, जेकर अगर नियत घाटा है वो दुठन आंखी के बदौलत चलते, कोयला छीनना है कोयला मारना है आंखी दिखत तक कर सकथन। आज ओकर आंखी फूट गए राजा दुर्योधन के, आज बल डाले बर तैयार होके अपन भाई दुशासन ल भेजे हवे कहो श्राम। दोनों नैना बड़ा पापी है राम, दोनों आँखियाँ बड़ा पापी राम। वही समय में द्रौपदी रहे राम, दोनों नैना महल में द्रौपदी बैठे रहे। राम ध्यान करके आके बाल बिखर के बैठे रहे, वही समय में वही समय में बैरी पहुंचने लगे राम, दोनों नैना। वही समय में भैया दुशासन के जब पांव के आवाज न सुनते द्रौपदी, न कोई प्राण ना था थे नकुल सहदेव भीम अर्जुन में, कहां भीम अर्जुन नकुल सहदेव थे वहां तो आज भैया दुशासन घुस सके मारे। आज द्रौपदी के आज भवन में पहुंचे हवे कहो श्राम। वही समय में द्रौपदी सोचते में कहां भागा ये पापी कैसे याद की के, वही समय में भैया निकल के भवन गोती भागन लगे कहो श्राम। वही समय में बैरी भागन लगे राम, दोनों नैना बड़ा। बचाओ बचाओ पांडव, बचाओ ये पापी कावर पुरा से जाग जब साड़ी न पकड़े। वही समय में भैया अरे दुशासन मोला ते अकेला जान के जानक दे भवन में आके आज साड़ी ल पकड़ था। अरे पापी तोला मोर प्राण नाथ मन जानी तो बिना मारे नहीं छोड़ेगी के कहां लगेगा सिरा। ओ समय दुशासन त्रिपति तोला अकेला जान के नहीं आओ, बड़े भाई दुर्योधन तोला आज ना राज भवन में बुला है, सीधा भाई जाना है कि नहीं जाना है ऐसे की के जब बोलन लगे। वही समय में आज भैया द्रौपदी रोवत रोवत कहां लगे कहो श्राम। भैया दुशासन नहीं भैया, नहीं भैया ये काम मत कर भैया, मैं नारी को जा दो दुशासन। आज भैया राजभवन में राजा मन की अगवानी होते भैया, मैं का गलती कर रहा भैया, ते मोर साड़ी ला आज पकड़ के खींचे जाता भैया, क्षमा तेरे पापी। वही समय में नहीं सोचे आज भैया साड़ी ल छोड़ के बाले ला बैरी पकड़ खींचन लगे राम, दोनों नैना। आज बाल पकड़ के खींचन खींचन भरे सभा में लेके पटकती, वही समय में बैरी गिरन लगे राम, दोनों नैना। ओ समय रोवत रोवत
भरे सभा में बैठे खड़े होके देखते चारों तरफ नजर उठा के ये प्राणना तो आज कैसे ढंग के तुम सरनवाए बैठे तुम्हार नारी तिरुपति ला आज अपन गंदा हाथ में पापी दुशासन आज मोर बाल ला पकड़ के भरे सभा में लाए हे भीम हे नकुल हे सहदेव हे अर्जुन हे धर्म के पालन करिया धर्मराज कहाँ गए तो धर्म तिरुपति रो रो के चिल्लाए नाम ले लेके चिल्लाए लेकिन कुछ नहीं बोले पांडे वो दाई सर नवाए बैठे राम सुनो दैरा समय फिर चारों तरफ नजर उठा के देखते भीमसेन वही समय में बैठे रहा कुछ नहीं बोल रहे राजा दुर्योधन के नजर पड़ गए वही समय भीम दुर्योधन लगे थे पिता भैया दुर्योधन मैं क्या गलती करे भैया मुला क्षमा दे भैया आज भैया मैं तोरी आज नारी के जा तो भैया तुमसे गलती है क्षमा मांगा तो भैया के ये कान लगेगा ओ जरा ओ समय दुर्योधन गरज ना कहते द्रौपदी इस दिन अंधरा के बेटा अंधरा के उस दिन के ख्याल कर आज तोला माफी दे के लायक भी नहीं है अरे दुशासन नग्न कर दो मेरे राज जंघा में बैठा दो नहीं भैया नहीं भैया दुर्योधन मोर से जबान छूट गए भैया नारी के उल्लंघन मत कर भैया मोर जबान छूट गए भैया फिसल गए आज भैया मुला क्षमा दे दुर्योधन दुर्योधन के थे कोई क्षमा लायक नहीं है ऐ दुशासन जल्दी से जल्दी नग्न करके मेरे जंघा में बैठा दो इतना बात बोलिस ना अंधियार दिखे चारों तरफ फिर देखे भीषम पिता जब बिठे रहा है भीषम पिता लगे थे पिता माँ ए पिता माँ बहु कहते बेटी का पिता माँ आज मैं चोली के भीख मांगा तो पिता माँ मोर इज्जत लाए आज बचा दे पिता माँ तोर बेटा ला समझा दे पिता माँ लेकिन दुर्योधन के सामने राजा आज भीषम पिता सारे नाव आए राजा बैठा लगाए राम समय द्रौपदी रोवत रोवत खड़े अकेला वही समय में दुर्योधन खुशिया के थे दुशासन खींचो भाई खींचो पकड़ ली साड़ी वही समय में खींचे राजा दुशासन राजा दुशासन पकड़े साड़ी ला वही समय में खींचन लागे कहो श्राम वही समय में दुशासन वही समय में खींचन लगे कहो श्राम कन्हैया मुरलाज रखो बनवारी राम मुरलाज रखो दुशासन दुर्योधन आज एक अबला नारी ऊपर अत्याचार कर थोरे पापी हो तुहर घमल्ला टोरोगी के भगवान कन्हैया आज भैया अंतर धाम पहुंचन लगे पहुंच राम विपति हरो हरि मोर आओ बंधी ना छोड़ो बंधी आ तुहरे दुआर में कन्हैया दुखिया पुकार रामा आ तुहरे दुआर में कन्हैया दुखिया पुकार अंधा के दाई वही समय में हो रामा भगवान कन्हैया दाई
साड़ी वो हर देवा थे रामा और दुशासन ये बैरी है रामा खींचन जा बला घुरा खींचे भैया पसीना पसीना हो गए हाथ थके पांव थके वही समय में पसीना पोसे राजा दुशासन वही समय में दुर्योधन देखे खींचो भैया खींचो वही समय में थक के गिरते दुशासन ला गिरा देखते दुर्योधन दौड़ा दौड़ा दा के साड़ी ला पकड़ा लगे घोसरा सब निकल थे बेटा रुक जा दुर्योधन रुक जा बेटा गे के वही समय में रोकन लगे घोसरा अत्याचार के घलोक सीमा होते बेटा सीमा से बाहर जा था दुर्योधन के कहन लगे घोसरा ओ समय राजा दुर्योधन के थे ए पितामा मैं रुके पर रुकू लेकिन ये शर्त है मोर शर्त ला मंजूर करवे तो छोड़ू नहीं था जो करना है तो मैं करके दिखाऊं के कहां लगे कहो श्राम का शर्त है बेटा तेला बता बेटा के पूछन लगे कहो श्राम तो सुन पांडव मल्ला 12 साल के वनवास जंगल में मांगा थो पिताश्री और ये 12 साल वनवास में एक वर्ष अज्ञात मांगा थो अज्ञात वर्ष में पांडव मन नजर नहीं दी दिखना चाहिए के कहां लगे कहो श्राम अगर नजर में दिख जाए पितामा फिर से 12 साल पांडव मल्ला तोला बनवास दे लगी कि के कहां लगे कहो श्राम पितामा बड़ा व्याकुल हो गए मिथे बेटा दुर्योधन ते बड़े हो थस बेटा ए तोर भाई रे कहां जंगल भेजबे बेटा मान जा दुर्योधन एक ठन कुरियल दे दे बेटा के थे लेकिन दुर्योधन रे पितामा आज से जवान करके मुकड़ मत आओ बेटा मोर जवान छूट गए बेटा लेकिन तोर भाई है ते समझदार है बेटा दुर्योधन मान जा दुर्योधन के थे मैं नहीं मानो पिताश्री नहीं मानो तो विषम पिता के थे बेटा सुन मीठी बोली बांधी बोली ले बे रामा मीठी बोली बांधी बोल ले बेरा पानी भरे कुंडे बेटा जिससे कि ना नीचे माटी पर थे बेटा बूंद पर थे माटी में घूर जाते दुर्योधन ये तोर परिवार है बेटा मान जा दुर्योधन अभी मैं नहीं निकले बेटा नहीं मानो के दिशंत में उठो बेटा पांचों जन पांडव मल्ला उठो के थे ठीक है बेटा 12 साल के वनवास जाओ बेटा लेकिन एक समझदार करना बेटा एक वर्ष अज्ञात में बेटा पांचों जन पांडव एक नजर में मत दिखू बेटा के कहां लगे कहो श्राम उस समय के थे अभिमान भरे है तोरे तन मरे लाला अभिमान भरे है तोरे तन माहोरा अभिमान भरे है तोरे तन नहीं माने भैया उस समय में पांचों जन पांडव यार भैया 12 साल वनवास जाए बर राजी हो जाते उड़ जाते उस समय ममा सकनी कवच कुंडल भाचा मल वापिस देवन लगे कहो सिरा दाई देता हो सुंदर पांडव मन 12 साल के वनवास जाते राजा दुर्योधन के नियत घाटा रहे थे ये महल वर तो राजा दुर्योधन आज महल लछिन लेते राज करते कहो श्राम पांडव मन भैया वही समय में 12 वास के वनवास जे थे ई करे हमर कथा ला विराम दे थन कहो श्राम भूल चुकला माफी करहु दाई देता हो आज सुंदर आज भैया तुम्हार गांव में आज सुंदर ये गांव के अभी जिला के आज भैया कोई सदस्य से आया सुंदर सुन लो कहो श्राम राम नाम का लूटे है राम आया लूट सके सो लूटे हो राम अंत समय पछताओगे रामा प्राण जाएगा
श्री रामचंद्र की, धर्म की, अधर्म का।